इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट दी घोसला फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर देखना चाहते है तो आप ये वेब पेज डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अपनी फिजिक्स डॉट कॉम चेक कर सकते हैं वहां पर आपको फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो टाइटल घोसला uh, है और गौसला को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ सपोर्टिंग फिजिकल कंसेप्ट की जरूरत होती है जिनको मैं अपने वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में रखता हूं तो गौसला को समझने के लिए तीन कंसेप्ट की जरूरत होगी नंबर वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर टू इज टाइप ऑफ सरफेसिस की वो क्लोज सरफेस है या ओपन सरफेस है और इन सभी पॉइंट्स को मैं सिस्टेमेटिक नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा और नंबर थ्री है सोलिड एंगल तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले तो ये बता दूँ कि स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के थ्रू डिफाइन करते हैं प्रॉपर वे में कहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू आइदर क्लोज और ओपन सरफेस इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये देखिए कि यहां पर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज किया इस तरफ कोई ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस हैं वो चलते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ है राइट उसको कैसे मेजर करें ये पॉइंट है तो अभी देखिए कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये क्लोज सरफेस है कोई यहां पर ये बॉक्स दिखाया है और इसके थ्रू ये एक दो तीन चार नंबर जो हैं इलेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पास हुआ है तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हम इस लाइन को और इस लाइन को काउंट नहीं करेंगे और इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एलिमेंट्री एरिया कंसिडर करते हैं और एजियोनो you know, कि भाई जो एलिमेंट्री एरिया होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है तब हम क्या करते हैं उसको एज ए वैक्टर ट्रीट करने के लिए उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रा करते हैं जिसको वेक्टर एन अभी हम लोग बोल रहे हैं जो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा और ये होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एलिमेंट्री एरिया से किसी भी एंगल से आ, पास हो सकती है जैसे कि यह, यहां पर किया है, और यह एंगल थीटा है वेक्टर आपका जो है एलिमेंट्री एरिया वेक्टर है और इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट होगी डॉट e डी ए वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि इस डी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ है अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे जैसे मैंने अभी बताया कि ये सब क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल उस क्वांटिटी का ले लेंगे इस जो ई e डी है तब हमको मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब समझिए कि क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस क्या होते हैं कोई भी सरफेस किसी भी शेप का जैसे आप स्क्वायर हैं रेक्टेंगुलर शेप ले लें और ये बंद है यहाँ पर ये कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट इसके थ्रू पास नहीं हो सकता ये सर्कुलर फॉर्म में है ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है और ये कोई भी रैंडम जो शेप आपको दिखाई पड़ती है वो है और इनके थ्रू इनके एरिया ये जो एरिया है इसके थ्रू कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट पास नहीं हो सकता है बस वो यहीं पर रुक जाएगा तो उस सरफेस को बोलते हैं क्लोज सरफेस और सेम ऐसा ही किसी भी शेप में आप ये देख सकते हैं कि ये एक रिंग टाइप से है और इसके पास में ये सरकम फेरेंस है और बाकी ये एरिया ओपन है तो इसके थ्रू अगर मैं कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट लेके जाऊं तो वो दूसरी साइड निकल जाएगा तो ये एरिया जो बाउंडेड है बाय दिस क्लोज पाथ राइट तो उसको बोलते हैं भाई क्लोज सरफेस और ये आप स्क्वायर ले लें ये रेक्टेंगुलर ले लें और इसके थ्री कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट अगर निकल जाती है तो ये एरिया ओपन होगा तो एरिया कवर्ड बाय दिस पेरीमीटर तो ये हमारा एरिया जो है वो ओपन सरफेस के जैसे ट्रीट होगा और सेम इज ट्रू फॉर दिस वन और चाहे वो कोई भी सेफ है और उसके लिए जब हम लोग इंटीग्रल यूज करेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर यहां से मुझको फाइंड आउट करना होगा तो मैं इस नोटेशन को यूज करूंगा जो ओपन सरफेस इंटीग्रल के लिए है और अगर इस टाइप का सरफेस है तो मैं क्या करूंगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल का नोटेशन यूज करूंगा टू तो फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसको कंसिडर करने के लिए तो ये फिजिकल सिचुएशंस आएंगी और जिनको मैं सिस्टमेटिक नेक्स्ट अपना जो भी वीडियो लेक्चर है उसमें आपको बताऊंगा और थोड़ा सोलिड एंगल का आइडिया देख लीजिए जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और ये एक रेसो है ऑफ द पार्ट ऑफ ए स्पेरिकल सरफेस एरिया एस सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर एस यहां पर क्या है कि अगर मैं कहूं कि भाई एक एलिमेंट्री एरिया आप डी एस कंसिडर करिए तो डी एस जो है वो ये एरिया है एलिमेंट एरिया है और इस एलिमेंट एरिया के थ्रू ये जो एंगल यहाँ डेवलप होगा वो डी ओमेगा होगा अगर मुझको ओमेगा फाइंड आउट करना है तो मुझको ये देखना होगा कि ये जो पूरा सरफेस है स्पेरिकल जो सरफेस है इस ओ पर कितना एंगल बनाएगा इस बे में तो वो होगा एरिया डिवाइडेड बाई जो रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर है और इसको हम स्टे रेडियन में आप रीड करते हैं रेडियन में ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर तो सोलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए वोल स्पेरिकल सरफेस इज दियर फोर इज इक्वल टू फोर पाई तो ये हुआ अबाउट सोलिड एंगल अब गोसला के बारे में देखिए गोस ला क्या बोलता है दिस थ्योरम बेसिकली दिस ला बेसिकली गिव्स ए रिलेशन किसके बीच रिलेशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू एनी क्लोज सरफेस उस सरफेस को हम गोशन सरफेस बोलते हैं और चार्ज जो होता है वो इनक्लोज होता है बाई दिस गोशन सरफेस अगर स्टेटमेंट की फोर में कहें तो इट स्टेट की द इलेक्ट्रिक प्लक्स बाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वन अपन एबसाइलोट टाइम्स द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज बाई दिस सरफेस व्हाट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट इन दिस स्टेटमेंट क्या है भाई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस के थ्रू बोल रहे हैं और वो इक्वल है वन अपॉन एप्साइल नोट टाइम्स जो चार्ज इनक्लोज है बाई द क्लोज सरफेस सो इसको लिखने का वे ये है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए डी ए आपका ये एलिमेंट्री एरिया था ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी विच पासिस थ्रू दैट डी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ पर क्लोज सरफेस लिया है और क्लोज सरफेस बोलते हैं नो पिक्चर इज वेरी क्लियर कि फिजिकल सिचुएशन क्या है एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज अपॉन एबसाइलन नोट क्यू इन क्लोज मतलब क्या है कि जो चार्ज आपका है वो इनक्लोज अब इस फिजिकल पिक्चर को आप देख लीजिए ये क्लोज सरफेस है और इस ओ पॉइंट पर यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में तो यहां पर क्या किया कि एक एलिमेंट्री एरिया हम लोगों ने कंसिडर कर लिया जो कि डी ए है और इसका अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखते हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर होगी टू दी प्लेन वो ये यूनिट वेक्टर एन से शो किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी एंगल से ये इसके थ्रू जा सकती है और वो वेक्टर एन के साथ में यूनिट वेक्टर एन के साथ में थीटा एंगल बनाएगी तो ये हुआ बात अबाउट दी रिलेशनशिप बिटवीन जो फाइव ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और जो चार्ज इनक्लोज है ये पिक्चर के साथ अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई इस सेंटर पे जो है ओ पॉइंट पे जो है ये प्लस क्यू चार्ज रखा है डी ओमेगा इज इस सॉलिड एंगल है सब टेंडेड बाई दिस एरिया स्मॉल एलिमेंट एरिया जो है और आर रेडियल डिस्टेंस है इसको आप ओ से पी तक का डिस्टेंस समझिए और अगर मैं पी पॉइंट यहां पर कहीं कंसिडर करता हूं तब भी वो आर होगा अब वेक्टर एन ये डायरेक्शन है ऑफ द एरिया जैसे मैं बोल चुका हूं थीटा उनके बीच का एंगल है ई e, और आपका जो वेक्टर एन है तो सपो लेट वेक्टर ई बी दी इलेक्ट्रिक एट पी ड्यू टू दी चार्ज प्लस क्यू जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो यहां पर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू दी एरिया एलिमेंट तो हम लोग क्या करेंगे स्केलर प्रोडक्ट लेंगे ई और डीए का ये हो जाएगा ई डीए को स्थितिटा जहां पर ई आपका और डीए मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का अब अगर यहां पर आप ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो रिजल्ट जो होगा इस वे में आप लिखेंगे क्यू अपॉन फोर पाई एपसाइल नोट और ये डी ए को थीटा जो है इसके नीचे आर स्क्वायर जब आप लिख देंगे तो ये फैक्टर आपका डी ओमेगा हो जाएगा और डी ओमेगा जो है वो सॉलिड एंगल है जो सबटेंडेड हुआ है बाई एरिया डी एट जो वो पॉइंट ओ कंसिडर किया था अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें डी फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर फाइव नोट और ये डी ओमेगा लिख दिया है उसकी वैल्यू अगर मुझको जो रैंडम सेप मिली है उसके थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ है जो उसको फाइंड आउट करना है तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल लेना होगा दोनों साइड का और क्लोज सरफेस इंटीग्रल मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं अभी ये नोटेशन भी है बट इसके साथ मुझको ऐसे लिखना होगा क्योंकि जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा उसमें आप उसको नोटेशन को जो है इस टाइप से यूज करते हैं ये ओपन सरफेस के लिए और अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो ये क्लोज सरफेस के लिए होगा तो अगर सिंगल लाइन के साथ में ही मैं ऐसा लिखता हूं ये तो तुम तो मुझको यहाँ पर ऐसे लिखना होगा तो लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया है आपका वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ई है और राइट हैंड साइड के अंदर आपका क्यू पॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट नोट कॉन्स्टेंट है और डी ओमेगा के पास में ये क्लोज सरफेस बचा है जिसकी वैल्यू है फोर पाई तो जब आप फोर पाई वैल्यू रखेंगे तो फोर पाई से फोर पाई कैंसल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्यू अपॉन एप साइलेंट नोट तो इस वे में आप इसको प्रूव कर सकते हैं और यहां एक इसी गोसला का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब अगर ये पॉइंट चार्ज आपका जो चार्ज था ओ पॉइंट पे अगर वो उस क्लोज सरफेस से बाहर आ जाए और क्लोज सरफेस के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करें तो रिजल्ट क्या होगा तो ये देखिए कि अभी प्लस क्यू चार्ज बाहर रखा हुआ है और पहले चार्ज जो है एंटर हुआ है थ्रू दिस एरिया यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कंसिडर कर लिया है डी ए वन एरो जो शो करता है वो डायरेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर हुई है और दूसरे पॉइंट पे जो होगा इस क्लोज सरफेस की वो बाहर निकली है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन है और यहां पर यूनिट वेक्टर n के थ्रू इस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया के प्लेन को शो किया हुआ है दैट इज दर्पेंडिकुलर डीए टू तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं तो डी ए वन एरिया एलिमेंट थ्रू फ्लक्स जिसके एंटर हुआ है और डी ए टू वो एरिया एलिमेंट है जिसका थ्रू फ्लक्स इस सरफेस को छोड़ता है तो अब जो फ्लक्स डीए वन के थ्रू एंटर हुआ है उसको हमने बोल दिया सपोज कि फाइव वन है और दैट विल बी इक्वल टू तो माइनस क्यूपोन फोर पाई एफ नोट डी ओमेगा जैसे अभी लास्ट टाइम आपने देखा है और फाइव टू जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि डी ए टू के थ्रू बाहर निकलता है और दैट इज इक्वल टू तो अगेन सेम क्यूपोन फोर पाई एफ नोट डी ओमेगा यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स उन एलिमेंट एरिया के थ्रू इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में शो किया है विद द नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन क्यों एक्चुअली ये एक एनालॉजी है अगर आप देखते हैं कि जो प्लस चार्ज है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं ये एज ए सोर्स जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी आउटवर्ड होंगी अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ऐसे मिलती हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए तो वी अंडरस्टैंड कि भाई वो पॉजिटिव चार्ज से आ रही हैं और अगर कहीं ये आपको कन्वर्ज होती हुई मिले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट को अप्रोच कर रही हैं दैट मीन्स वी अंडरस्टैंड कि वहां पर जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा तो इस एनालॉजी को यूज करते हुए आप यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रिक फिल लाइन जो है वो एंटर हुई है किसी की तरफ को जा रही है और यहां से वो बाहर निकली है स्प्रेड हुआ है तो उस वजह से ये निगेटिव और पॉजिटिव साइन आए हैं डी ए वन पर निगेटिव इसलिए आया है कि वो अप्रोच कर रहा है किसी साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव इसलिए आया है डी ए टू पॉइंट पे कि वो यहाँ से रिलीज हुआ है यहां से वो स्प्रेड हुआ है बाहर की साइड को गया है तो तब जब आप इन दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उस क्लोज सरफेस के लिए ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा जीरो ये उसका रीजन है सो तो आप कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा थ्रू क्लोज सरफेस अगर चार्ज बाहर रखा हुआ है एप्लीकेशन क्या है गोसला का गोस थ्योरम का तो दिस इज यूजफुल टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ए सिंगल और ग्रुप ऑफ चार्जेज या कंटिन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इसके थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन मिला है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यू चैनल थैंक्स वंस अगेन